वापस रीस्टार्ट किया है देखो। अभी अभी दिखाई दे रहा है सबको? या मैम यू कैन सी? यस मैम। ओके सो वी डिड अप टिल हियर, दैट इज 14 प्रैक्टिकल स्क्वायर ऑफ अ नंबर। टू मिनट्स का कोई से प्रैक्टिकल मिस किया मैंने रिविजन। सम ऑफ सीरीज आज बहुत लैपटॉप का इशू है, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेक एन ऑफलाइन लेक्चर। कॉलेज में भी सब स्टैंडर्ड्स का एग्जाम शुरू है, दैट्स व्हाई रूम अवेलेबिलिटी इज प्रॉब्लम। टू बी रूम्स अवेलेबल है, दे आर सो स्मॉल दैट यू ऑल कैन नॉट फिट इन इनटू इट। ऐसा सब चल रहा है मेरा, दैट्स वाई मेरा सब प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। ये बनेगा 60 कस्टम ऐसे अलाइन कर रही हूँ। तभी सब चेंज किया था जब भी मैंने ओरिजिनली तुम्हें बताया, ये मैंने स्किप किया था प्रोग्राम। My God.
So we will start from 15 practical. Up to 14th we have done. 14th was square of a number. Okay. So next one, now please pay attention, all of you. Those who are sitting, relax. Now pay attention till end of the lecture. First, what I'm going to do now, listen to me. First, I'm going to complete all practical programs. Aaj aur kal mein. Tomorrow also it will be online sessions only. Friday, we are going to have batch 2 practical. Okay. Abhi batch 2 dhyan se sunna, tum log already backlog mein ho. Because batch 1 has already performed one more extra turn. So their practicals up to turn 3 are getting over. Okay. Plus, I have made them do some extra practicals because that day I took practical for 2 hours. So they were able to finish. Maximum of them were able to finish all the practicals. Kuch logo ka baki hai, so that I will ask them to do it in the next turn. So batch 2, jo bhi main aaj hi main send karke rakhti hun tumhe jo bhi practicals hai. Okay. So wo tum likh lena. Tum fair mein likhoge to bhi chalega. Aur jaisa maine kuch logo ko dekha hai ki they bring the blank sheets to the lab for the practicals. Like register content column blank hai. Flag register block blank hai, input output location blank hai. So वैसा blank columns लेके आना ताकि there you can write it into pencil and then at home you can go and fair it up. So वो easy हो जाएगा तुम्हें और तुम्हें double double लिखने का मेहनत नहीं होगा. Okay, and your work will also get done as and when as it is. ठीक है. फिर उसके बाद में Saturday I'm going to accept. Saturday तो online होगा. फ्राइडे ही मुझे लेना पड़ेगा. असाइनमेंट हो गया लिख के इंस्ट्रक्शन सेट सबका? नहीं. तो मैं दू कभी फिर तुम्हें? पढ़ना भी है ना तुमको, तुम लोग लिखोगे. मैम संडे को ना? संडे को दू? संडे को तुम लोग आओगे कॉलेज में देने के लिए? नेक्स्ट वीक रखू? फिर नेक्स्ट वीक अगर तुम मुझे मंडे ट्यूसडे दे रहे हो प्रैक्टिकल स्लॉट्स में, तो उसके बाद में व्हेन यू विल कम एंड कलेक्ट इट बैक? मुझे चेक इन करने के लिए तो दिन चाहिए ना. 13th इज द लास्ट डे. 13th के बाद लेक्चर्स नहीं लेने बोला है. यू एवरीबॉडी हैज डिसाइडेड दैट यू शुड बी गिवन अ स्टडी ब्रेक बिकॉज तुम पढ़ोगे कब ना, सिर्फ लेक्चर्स ही अटेंड करोगे. तो 22nd से एग्जाम है तुम्हारा. हेलो मैम, माइक्रोप्रोसेसर 28 को है. तो ऐसे चलेगा क्या कि तुम प्रैक्टिकल्स में जब भी आओगे ना मंडे ट्यूसडे, तभी तुम मुझे देना? इज दैट फाइन विथ यू ऑल? हाँ. तो व्हेन यू विल कम फॉर प्रैक्टिकल्स दैट टाइम यू गिव इट टू मी मंडे एंड ट्यूसडे. मंडे बैच विल गिव इट टू मी ऑन मंडे, ट्यूसडे बैच विल गिव इट टू मी ऑन ट्यूसडे. ठीक है. एंड देन व्हेनेवर यू कम फॉर द फर्स्ट एग्जाम दैट इज 22nd, उस दिन तुम लोग लैब में आके असाइनमेंट लो मेरे से. आई विल टेल यू द टाइमिंग तुम्हारे एग्जाम के बाद. चलेगा? फिर तुम पढ़ पाओगे माइक्रो प्रोसेसर के टाइम पे. या अभी ब्रेक में चाहिए पढ़ने के लिए, जो 4 दिनों का ब्रेक है तभी? चाहिए मैम, ब्रेक में चाहिए, सब चाहिए. सुबह बेसिकली देना ही नहीं है मुझे. ठीक है, देखते सोचती हूँ उसके बारे में. 16th अभी टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ. हाँ, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर सकती हूँ. नहीं, वो नहीं जमेगा मुझे. मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक है. माय शेड्यूल इज वेरी बैड. नहीं जमेगा इसके लिए. सैटरडे बोल रहे थे तो संडे करेक्ट करके घर पे मैं मंडे लेके आती थी. तो अभी नहीं जमेगा, देखते. आई विल थिंक अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट दैट. आई विल थिंक एंड लेट यू नो. फाइंड नेगेटिव नंबर दैट इज इन द गिवन ब्लॉक ऑफ डेटा. लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज इन मेमोरी लोकेशन F200. सो प्लीज पे अटेंशन ऑल बिग एंड ट्रिकी प्रोग्राम्स. ओके. तो इनपुट
is given in memory location F200H. So input yani ki the length of the block is given in memory location F200H. Block itself begins in memory location F201H. ठीक है, तो मान लो ब्लॉक लेंथ ले रहे हैं हम लोग 6. ब्लॉक लेंथ का मतलब है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटा वी आर सपोज टू प्रोसेस. ठीक है, ब्लॉक लेंथ का मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटा वी आर सपोज टू प्रोसेस. So let's say we are processing 6 data. The length of the block is given in the memory location F200H. The block itself begins in memory location F201H. The block begins from F201H. जस्ट मोमेंट मैं देख आज मीन्स क्या है ना. तो लिख ही नहीं पा रही हूँ. अभी नेगेटिव, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव नंबर्स. हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हेदर अ नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव. ये एक ही प्रोग्राम है जहां पे हमें वो पॉजिटिव नेगेटिव का लॉजिक जरूरी है. वी नीड टू नो दैट दिस इज ओनली वन प्रोग्राम. तो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स उसका मतलब क्या है. यस, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का मतलब है यू आइडेंटिफाई देम विद रिस्पेक्ट टू द साइन फ्लैग वैल्यू. If sign flag is 1, number will be negative. If sign flag is 0, number will be positive. That is the logic. So, you are going to check the sign flag condition to identify the negative numbers. So, program ka matlab hai ki block length diya hai F200 mein. Aur block of data start hota hai F201 se. I just cannot take. अगर ये 10 मिनट और चल रहा तो मैं लेक्चर नहीं लूंगी, कैंसिल करूँ. ये देखो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही. I'm leaving and I'm joining again. Just give me 2 minutes. Huh? Okay, ma'am. I will leave and I will join again because just not able to write.
Is everybody able to see the screen? Yes, ma'am. ठीक है, अभी देखते हैं. Yes, ma'am. Okay. So F202 onwards. हाँ, I'm right. I'm able to write better now. चलो अच्छी बात.
ओके तो अभी ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा, तुम लोग ये हो जाओगे मुझे पता है, चलेगा स्लो जाओगे थोड़ा मैं, बट एटलीस्ट 2-3 इवन इफ आई एम एबल टू कंप्लीट इट्स फाइन. तो ये ऐसे 5 डेटाज है, ठीक है. हाँ 6 डेटाज है, सॉरी. सो दिस इज योर ब्लॉक लेंथ. Now, 6. The length of the block is stored in memory location F200A. So this is the block length. That means there are total 6 numbers which are to be checked whether the number is negative or positive. Let's write down some data. So AB 05. Then 96, 82, 63, FB. Huh? 6 data are there. Now, how do you identify whether the number is positive or negative? ठीक है. So, कोई भी number लेते हैं. मान लो the first data we are taking. So, let's see the logic of the program. Okay, so logic is you take the data, let's say we're taking AB, that is going to be there in accumulator. So A is 1010, B is 1011. So these data we are going to take in the accumulator. Now here the most significant bit, this MSP bit, is the sign bit. So if that is 1, that means number is negative. If I take another data, let's take another data. Let's say take the next data, that is 05. So 05 means 0000 0101. Here the MSP bit is 0. Is identified as the sign bit. Okay, so you're going to check with these bit position values. If this bit is set as 1, the number is going to be negative. So here this S is 1, so number is negative. And here S is 0, the number is positive. Okay. So now how do you identify and what logic you will apply to check for this S bit alone? Kaise identify karenge hum? Tumne ye type ka logic pehle solve kiya hai. That's why I'm asking. What you will do? See, if you perform RALC, if you perform RLC operation, rotate accumulator left, what will happen? If you perform RLC operation,
what will happen? Accumulator contains will shift one bit left. Okay, so this MSB bit goes into carry. Okay, as well as to the least significant bit position, LSB position, and other all numbers get shifted one bit left. So 1 0 1 0 1 0 1 1. This will be the value. Okay. So here, if my carry is set as 1 after RLC, that means your number is negative. S is 1, indicating number is negative. Did you get it? What I'm saying? All of you? Understood? No, ma'am. Nahi samjha. See, sign bit positive numbers or negative numbers ke beech mein hum identify kaise karte hain? मैंने ये चीज बताया था तुम्हें, बोला था कि शायद एक प्रोग्राम में ये लगेगा लॉजिक हमें कोई भी डेटा का. अगर मीन्स हम जो नंबर्स ले रहे हैं ना, ये पॉजिटिव नंबर्स नहीं है, ये अनसाइंड नंबर्स नहीं है, ये सारे साइंड नंबर्स है. दीज आर ऑल साइंड नंबर्स. साइंड नंबर्स का मतलब है कि उसका एमएसबी बिट जो है ना वो वैल्यू में काउंट नहीं होता है, बाकी सारे बिट्स वैल्यू में काउंट हो गए. बाकी सारे बिट्स वैल्यू में काउंट हो गए. तो एक्चुअली ये जो ए बी है ना, इसका एक्चुअल नंबर सिर्फ इतना ही रहेगा. एम एस बी बिट जो है वो साइन दे रहा है, तो एक्चुअल नंबर ये होगा 22B. एक्चुअल नंबर होगा 2B, बट आफ्टर एडिंग द साइन बिट वैल्यू द नंबर इज आइडेंटिफाइड एज ए बी. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम लोग ने डिस्कस किया था ये, भूल गए क्या तुम लोग? स्टूडेंट्स? नो. See, if I have to write number 4, how do I write it? Normal 4, unsigned number. Oh, so unsigned numbers का मतलब है सारे positive numbers हैं. Because sign नहीं होता है उसको, तो हम consider करते हैं कि वो positive है. तो 4 कैसे लिखते हैं? 0 1 0 0. ठीक है. अभी अगर मुझे 4 रिप्रेजेंट करना है -4, हाँ, साइन नंबर्स में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी? हाउ डू आई रिप्रेजेंट -4? तो 100 एक्चुअल वेटेज वैल्यू है 4 का, बिकॉज 100 उसको वैल्यू दे रहा है 4 का. ये जो एमएसबी बिट है इसका, वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है. तो साइन नंबर्स में लिखते समय हम नंबर्स को जनरली MSB bit जो है उसका साइन बिट होता है, साइन नंबर्स का. MSB bit इज द साइन बिट. इफ दिस बिट इज 1, विच इज कंसिडर्ड अ साइन बिट, इफ दिस बिट इज 1, नंबर विल बी नेगेटिव, एंड इफ दिस बिट इज 0, नंबर विल बी पॉजिटिव. ठीक है. तो अगर मुझे -4 लिखना है तो ये मैं बनाऊंगी 1. तो 1100 वो कैसे बन जाएगा -4? मैम फिर वो 4 से 12 नहीं हो जाएगा?
हाँ तो हम लोग एक्चुअली लिखते समय वो लिखेंगे 12, दैट इज द थिंग, समझा ना? तो इसके लिए साइन बिट जब भी हम लिख रहे हैं ना, तो वो नंबर एज अ होल देख रहे हैं हम लोग अलोंग विथ साइन बिट, तो साइन बिट के साथ तुम्हें वैल्यू दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे जो तुम्हें ये ए बी दिखाई दे रहा था, ए बी में ये ए बी उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ए बी में साइन बिट वैल्यू भी कंसिडर किया गया है, विच इज योर एम एस बी बिट, दैट इज दिस वन. तो जो रिमेनिंग बिट्स है दे आर इम्पार्टिंग वैल्यू टू द गिवन नंबर, बट ऐसा हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. जब भी हम एंट्री करेंगे इनपुट डेटा का, तो वो हेक्स में एंट्री करेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट वी विल एंटर ऑल 8 बिट्स. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम. तो मैम अगर अपने को 8 का नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना रहेगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो अगर हमें 8 लिखना है अगर हमें 8 लिखना है तो 8 ये होता है, ठीक है? यानी कि 8 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चारों बिट्स का जरूरत है. हाँ, तो अगर हमें 8 रिप्रेजेंट करना है, -8 रिप्रेजेंट करना है, तो हमें वो चारों बिट्स को वैसे ही रखना पड़ेगा, उसके पहले एक साइन बिट ऐड करना पड़ेगा. तो अगर +8 है तो 0100 हो जाएगा, -8 है तो 1100 हो जाएगा. हाँ, बट अभी यहाँ पे ट्रिक क्या है, नंबर जो एग्जिस्ट होते हैं वो कोई रैंडम बिट वैल्यूज में एग्जिस्ट नहीं होता है. जैसे कि यू विल नॉट हैव 3 बिट नंबर, 5 बिट नंबर, 6 बिट नंबर, 7 बिट नंबर, हाँ, या फिर 10 बिट नंबर, ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट नहीं होते. नंबर्स हमेशा मल्टीपल्स ऑफ फोर्स में एग्जिस्ट होते हैं, बिकॉज योर माइक्रोप्रोसेसर इज अंडरस्टैंडिंग हेक्स वैल्यू. इवन नाउअडेज द पेंटियम प्रोसेसर जो एक्सेस रहता है वो हेक्स वैल्यूज के हिसाब से ही रहता है. So we identify them in group of 4. So either you can represent a number in 4-bit form or 8-bit form or 12-bit form or 16-bit form. Aisa. So agar mujhe -8 likhna hai, to mujhe ye numbers ko waise hi rakhna padega 1000 aur uske aage main usko 8-bit form mein represent karungi aur pehla wala bit banaungi, most significant bit, which is your sign bit. Which I will keep it as 1 to represent it as -8. Did you understand now, all of you? Samjha kya sabko? Yes, ma'am. Students, please respond. If you're not understanding the way I'm processing, because mujhe khud ko pasand nahi aa raha hai, itna slow process ho raha hai, toh main lecture abhi cancel karti hu. Mujhe batao, please. मैम थोड़ा सा डाउट था मैम. हाँ बोलो, अभी समझा क्या? हाँ समझा तो आप जो बोले, पर अब ए, हाँ. वो वाला स्लाइड वापस दिखाओ ना. सेकंड, अभी ऊपर वाले ने आपने जो है 4 का एक पहले वाला लिखे तो वो ये 12 होगा. तो अगर समझा हम लोग को 1 1 और 3 0 दिया रहेगा, तो फिर वो कैसे आइडेंटिफाई करने का कि वो 12 क्या? अभी जी ये -4 वाला जो है फर्स्ट वाला आपका, हाँ. उसमें आपने एमएसबी वाले में 1 ऐड किए हो तो वो 1100 हुआ, और फिर हाँ. ये अपने को बता था कि ये -4 है करके, हाँ. तो फिर हाँ. अगर समझो हम लोग को 1100 दिया रहेगा और हम लोग को आइडेंटिफाई करना कि ये 4 है कि ये -4 है कि ये 12 है, तो उसमें डिफरेंस कैसे रहेगा? डिफरेंस ऐसे रहेगा कि तुम्हें बताया जाएगा कि यू आर गिवन विद साइंड नंबर, ये बोलते हैं. ओके अनसाइंड वैल्यूज में ही किए. ओके
Is this clear to all of you? Please respond. Students. ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं कैंसिल करती हूँ बिकॉज आई डोंट नो. मैंने ऐसे ही तुम लोग का 1 घंटा वेस्ट किया, तो तुम लोग ब्रेक ले लो चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने के पहले. बिकॉज जस्ट आई डोंट नो, माई लैपटॉप इज गिविंग सो मच ऑफ इशू. आज जाके कॉलेज में दिखाती हूँ, मैं आज ठीक कर देती हूँ, बाकी कल एटलीस्ट बराबर से ले सकती. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. ये कंटिन्यू करूँ ना प्रोग्राम में? हाँ मैम, ये कंप्लीट कर दिया. सो यहाँ पे 05 में अगर हम लोग RLC करते हैं, ठीक है, इफ वी डू RLC, दिस MSV बिट गोज टू कैरी. नंबर यहाँ से शुरू होगा 0000 0101, और ये वाला 0 यहाँ पे भी आएगा. तो अगर कैरी सेट होता है तो हियर योर S इज 0, दैट मीन्स नंबर इज पॉजिटिव. सो दैट इज यू हाउ यू आइडेंटिफाई द गिवन नंबर. तो जो भी डेटा रहेगा वी टेक दैट डेटा इन एक्यूमुलेटर एंड डू RLC. RLC करने के बाद, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट करने के बाद, MSV बिट गोज इनटू कैरी. सो इफ कैरी इज सेट, नंबर विल बी नेगेटिव. इफ कैरी इज नॉट सेट, नंबर विल बी पॉजिटिव. सो इज द लॉजिक क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस मैम, क्लियर. So Alexa H, what is input location? F200. So Alexa H F200, वहाँ पे block length है. We move the block length from memory pointer to some other register. So let's say register B. Now, यहाँ पे हमें और एक रजिस्टर स्टोर करना पड़ेगा टू सेव द नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स. तो वो पहले हमें क्लियर करके रखना पड़ेगा. सो वी हैव टू क्लियर फर्स्ट रजिस्टर, सम रजिस्टर टू स्टोर नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स. सो लेट्स से मूव इमीडिएट B,00H. सो वी आर क्लियरिंग रजिस्टर B टू काउंट नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर. ओके, देन वी विल लोड LXIH F200H, HL register pair with the first location. So here we will move this data from the first location block length to some other register. So let's initialize register C as your counter register. So we move the block length from memory pointer to the counter register C. Okay, INXH. To that you go to the first data. You will shift the first data from memory pointer to accumulator. Okay. Because rotate instruction is done with respect to accumulator. So that data will get shifted to accumulator. Now you will perform RLC. So when you perform RLC, the MSV bit, most significant bit, moves one bit left. Means it goes directly into carry and as well as to the LSB position. So yahan pe agar carry set hota hai, to number will be negative. So we will say jump on no carry. Jump on no carry to label down. Okay, but if carry generated, you will say increment register B, because if carry generated, number will be negative. So we increment the register B. But if carry is not generated, we will skip increment B and directly come to the next position where you have to check for the next number. So that will be decrement the counter value, which is C. Check if it is not zero.
So we will write J and Z up. And up will be to INXH because we have to go to the next location, to the second data, shift the data from memory pointer to accumulator, check again for rotate operation. If the number is negative, increment B. If it is not negative, we will skip increment B, come to decrement C. Like this, it will go on till T becomes 00. The moment T becomes 00, you will come out of the loop. Once you come out of the loop, number of negative elements value is stored in register B. So you will shift that data from register B to accumulator and say store at location F300H, which happens to be your output location, RST1. Is this clear, students? Yes, ma'am. अभी एक फटाफट मैनुअल वर्किंग बताती हूँ, बट नंबर्स में बहुत कम ले रही हूँ उसके लिए, क्योंकि क्या है उतना अभी मैं ग्रुप कंसिडर नहीं करूँगी बड़ा, तो जस्ट बेसिक बता देती हूँ. तो लेट्स से तुम्हारा इनपुट लोकेशन है F200, नंबर्स दो है. F201 में पहला नंबर है ए बी और F202 में सेकेंड नंबर है 05 और ये आउटपुट लोकेशन है F300. ठीक है. So here, so HL register pair pointing to memory pointer. Then we have, accumulator register B, register C. Okay. So now when we execute instruction MVI B, 00H, what will happen is B gets cleared to 00. B we are clearing so that we can count the number of negative elements in that register. Then when we say Alexa H F200, HL loads with address F200, memory pointer pointing to the first data, which is the block length. On execution of MOV C, M, memory pointer data shifts to C. So now C becomes the counter loop. On INXH execution, this becomes F201H. First data is AB. We will shift this data AB to accumulator. So move A, M will shift AB to accumulator. Okay. So 10101011. When we do RLC, it shifts rotate. So here, this MSB bit goes to carry, setting it as 1. So 1 0 1 0 1 0 1 1, और ये MSB वाला 1 यहाँ पे आए. तो कैरी इज सेट. तो एज कैरी इज सेट, नंबर इज आइडेंटिफाइड एज नेगेटिव. तो J एंड C, जंप गेट स्किप्ड.
jump does not get executed. Okay, we increment b. B becomes 0, 1. Decrement c. C becomes 0, 1. We check for red flag. Red flag is 0 because number is non-zero. So jump, this jump gets executed. Okay, and we go to INX red. So we come here again. So this becomes F202, where next number is there 5. Okay. Now we shift the 5 from memory pointer to accumulator. So accumulator again has 5. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. When we perform RLC, on RLC what will happen? This will shift. Carry becomes 0. So here we have 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 and the 0. So carry is 0. As carry is 0, the number is positive. So JNC will get executed. So here, after RLC, the jump gets executed. I don't know my frustration level right now. I will burst. Okay. Now we come to decrement C. C becomes 0, 0. Z flag is set as 1. And this jump, J and Z, will not get executed. Huh? So we exit the loop. Now B will be having the number of negative elements. B will be having the number of negative element. So B is having 1. That means out of the two data, AB and 05, 1 is negative. That is AB. We shift that B to accumulator. And from accumulator, it gets saved at the output location by STA instruction. STA F300. Is this clear to all of you? Yes, अभी मैं कुछ मैं डायरेक्टली स्लाइड से बता रही हूँ तुम्हें क्योंकि मुझे नहीं जम रहा है लिखने के लिए मेरा बहुत इशू है क्या पता नहीं फ्रस्ट्रेटेड ना तो एटलीस्ट मैं देखती हूँ अगर तुमको समझ में आ रहा है तो ठीक है वरना मैं रिपीट करूँगी बाद में नेक्स्ट लेक्चर में Somehow I managed to, you know, write. I'm just not able to write. Two minutes. The last year ka mere paas slide hai. I'm trying to explain you from that. See if you're able to understand. ओके तो ये डिवीजन तो किया हमने सम ऑफ सीरीज ये सुनो अभी ये इजी है ये एडिशन ऑफ टू नंबर्स जो हमने किया उसी तरीके का है बट ओनली थिंग इज हियर वी हैव टू फाइंड सम ऑफ सीरीज ऑफ नंबर ओके सो जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग इज इजी टू अंडरस्टैंड लुक एट द लेजर पॉइंटर
Okay, so calculate sum of series of the number. The length of the series is a memory location F200H. So F200 is having the block length. The series begins from location F201H. Consider the sum to be 16-bit number and store the sum at memory location F300, F301. ठीक है, अभी ध्यान से सुनो. मान लो F200 में ब्लॉक लेंथ है 05. So we have 5 numbers to be added. Sum of series का मतलब है जो भी ब्लॉक लेंथ दिया है उतना नंबर्स को ऐड करना. अगर ये ब्लॉक लेंथ 10 होता देन देयर वुड हैव बीन 10 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम F201. And then you are supposed to write a program to add those 10 numbers. So block length से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा logic work होना चाहिए for any number of numbers. ठीक है, so 05 is a block length and numbers to be added are AB, FB, 98, 65, D8. और ये जो addition है वो pure hex addition है. Hex में add करके तुम्हें answer hex में मिलेगा, ऐसा type का. तो यहाँ पे मैंने add करके भी रखा हुआ है. हाँ, जैसे मान लो तुमने फर्स्ट डेटा लिया ए बी और एफ ई, तो ये तुम कैसे ऐड करोगे, जैसे तुम रेगुलर 2-bit एडिशन करते हो वैसा. यू पुट ए बी इन एक्यूमुलेटर एंड यू कैन कीप एफ ई इन सम मेमोरी पॉइंटर एंड देन यू से ऐड ऑन एडिशन, दिस इज द आंसर व्हाट यू गेट. ओके, ए इज 1010, बी इज 1011, एफ इज 1111, ई इज 1110. सो व्हेन यू से ऐड that time ABFE gets added. Okay, on this addition final carry generated. I needn't explain you addition na, addition samajh mein aata hai na abhi? Yes ma'am. So yahan pe carry generate hota hai, to jaise hum addition of two 8 bit numbers mein carry ke liye check karte hai, usi tarah se yahan pe bhi hum carry ke liye check karenge. If carry is set, we will clear one register which will store for the carry. So let's say we will clear initially register B for storing the carry. हाँ, और फिर अगर carry generate होता है तो B को हम increment करेंगे. हाँ, वो होने के बाद we will decrement the counter and go to the next data. जैसे अभी हमने ये negative numbers में किया, हमने counter को decrement किया और next location में जाने के लिए हमने INX पे jump किया. तो INX पे jump करने के बाद क्या होता है, we happen to go to the नेक्स्ट लोकेशन एंड वी चेक द नेक्स्ट डेटा. तो उसी तरह से अभी जो 98 है वो प्रीवियस जो एडेड वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में ही रहेगा. तो 98 विल गेट एडेड टू एक्यूमुलेटर, वापस कैरी जनरेट होगा, वापस तुम कंडीशन चेक करोगे कि अगर कैरी सेट है तो इंक्रीमेंट करो बी को, कैरी सेट नहीं है तो स्किप करो इंक्रीमेंट बी. ऐसे कर करके यू विल गो ऑन टिल लास्ट वैल्यू. ठीक है, तो उसके हिसाब से दिस इज द प्रोग्राम. एक्सोर ए, आई विल शो यू मैनुअल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस. चाहिए तो एक्सोर ए, एक्सोर ए से क्या होता है, एक्यूमुलेटर कंटेंट्स विल गेट क्लियर्ड. So we have HL pointing to memory pointer, then accumulator, then register B, और यहाँ पे मैंने E लिया है. ये मैंने E इसके लिए लिया है because मैं तभी program stimulator पे कर रही थी और stimulator पे ना add M work नहीं होता है, mobile stimulator पे वो काफी time के बाद मुझे पता चला. तो एड एम वर्क नहीं होता है, कुछ अजीब ही रिजल्ट देता है. ओके, एज पर लॉजिक नहीं देता है. इसके लिए मैं एड एम मैंने डेलिब्रेटली अवॉइड किया है जब भी मैंने प्रोग्राम्स किए ऑन स्टिम्युलेटर, दैट इज फॉर लास्ट ईयर स्टूडेंट. बट अभी हम किट पे कर रहे हैं तो किट में ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, किट पे सारे इंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं. बट फिर भी अभी जैसे यहाँ पे दिया है वैसे ही बता रही हूँ मैं. तो एड एम के जगह पे एड ई करते हैं हम लोग, और सी. ठीक है, सो फर्स्ट वी क्लियर कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर इज यूज्ड फॉर सेविंग द सम.
Then C register is used over here for saving the carry contents. Okay, B will act as your counter value, which will store the block length. Okay, and E mein hum second number of addition hamesha store karenge. Second number jo add hota hai, wo store karenge. Theek hai? So XOR A se, on execution of XOR A, accumulator clears to 00. Okay, when we say move C comma M, this 00 gets goes into register C. So carry contents are also getting cleared to 00. When we say Alexa H F2 00, HL load with F2 00, jahan pe block length stored hai. Let's consider this block length as 3. Example ke taur pe 3 consider kar rahe hain. Theek hai? We will shift this data 3 from memory pointer to register B because B is acting as a counter. So move B comma M. So this 3 goes into register B. ठीक है, then when we say INXF, we go to the next location F201, ठीक है, where our first number is stored. So let's take this data only, AB and FE. So first data is AB. We will shift this data from memory pointer to register E. Okay. And then we will say add E. This add M हम लोग use नहीं कर रहे, समझा ना? हम वो data को कोई और register में shift करके हम add कर रहे accumulator को. This is another way of doing the addition. So जब भी हम add E कहेंगे तो 00 और AB add होगा. Result will be AB and carry will not be set because ये plain addition था. 00 के AB के साथ तो कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो JNZ जो है वो स्किप होगा. JNC विल गेट एग्जीक्यूटेड. ओके, एंड वी कम टू डायरेक्टली डिक्रीमेंट B. तो B बनेगा 02. Z फ्लैग इज नॉट सेट. सो दिस जंप, JNZ वाला जंप विल गेट एग्जीक्यूटेड because Z flag is not set. Jump on no zero to up. Up location is INXH. So ye INXH abhi increment hoga next location pe, F202, which is FE. Theek hai? Now we will shift this data from memory pointer to register E. So E banega abhi FE. पहले ई में गया था ए बी. अभी चेंज होके वो बनेगा एफ ई. ओके, नाउ वी विल से एड ई. E में जो डेटा है एफ ई वो ए बी में एड हो जाएगा बिकॉज एक्यूमुलेटर में आंसर था ए बी. तो ए बी और एफ ई का एडिशन होगा. वो एडिशन क्या देगा तुम्हें आंसर? व्हाट इज दिस आंसर? 1010 इज ए एंड 1001 इज 9. ए 9 विद जनरेशन ऑफ कैरी. हाँ, तो आंसर आएगा ए 9. और यहाँ पे कैरी सेट होगा 1. सो दिस जे एन सी जम्प ऑन नो कैरी विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड. वी गो टू इंक्रीमेंट सी बिकॉज कैरी जनरेट हुआ है. कम टू डिक्रीमेंट बी. तो बी बनेगा 01. 02 से 01. जेड फ्लैग विल बी स्टिल 0 एंड दिस जम्प विल गेट एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली INXH. तो INXH पे आएंगे हम F203 जिसमें नेक्स्ट डेटा है 98, थर्ड डेटा.
ठीक है, we will shift this data from memory pointer to register E and then we say add E. तो addition पे क्या होगा, जो accumulator में answer है 98 A9, उसमें 98 add हो जाएगा and result will be A9 plus 98 is 41 with generation of carry. तो answer आएगा 41 और कैरी सेट होगा. तो दिस जेएनसी वोंट गेट एग्जीक्यूटेड, जंप ऑन नो कैरी, बिकॉज कैरी सेट हुआ है. ओके, एंड वी गो टू इंक्रीमेंट सी. तो सी विल बिकम 02. देन वी कम टू डिक्रीमेंट बी, बी बिकम 00, जेड फ्लैग इज सेट एज 1 एंड वी एग्जिट दिस जंप लूप. दिस जंप वोंट गेट एग्जीक्यूटेड. ओके, तो एग्जिट होने पे एक्यूमुलेटर में है सम तुम्हारा 41 और रजिस्टर सी में है तुम्हारा कैरी 09. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? स्टूडेंट्स, यस मैम. सो आफ्टर जे एन जेड इज स्किप्ड वी कम टू एस टी ए एफ 300H. हाँ, तो एफ 300H लोकेशन में जो भी आउटपुट लोकेशन रहेगा वहां पे ये 41 चला जाएगा. दैट इज इन दिस लोकेशन. शॉर्टकट के तौर पे मैंने आउटपुट लोकेशन भी दिखाया, मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ. Then carry contents are shifted to accumulator. So that it will get saved in carry location. Okay. And then we will save this at location F30. So result of addition of these three numbers A, B, F, E and 98 is 0 to 41. So 02 is the carry and 41 is the sum. Did you understand all of you? Samjha kya? Sum of series. Students. Yes ma'am. तो ये प्रोग्राम लिखा भी है. हाँ, नेगेटिव नंबर हुआ, स्क्वायर अप नंबर हुआ है. जस्ट अ मोमेंट. ये स्टॉच में प्रॉपर बताऊंगी मैं तुम्हें, और कुछ दिखाती हूँ मैं. ये बता, ये सुनो, ये इजी है. ठीक, एड टू एरेज हैविंग 5 8-bit नंबर्स ईच एंड जनरेट अ थर्ड एरे ऑफ रिजल्ट. यानी कि दो एरेज है, लेट्स से एरे वन यानी कि ऑफ 5 8-bit नंबर्स. तो यहाँ पे ही तुम्हें ब्लॉक लाइन दिया है कि 5 नंबर्स है. तो 5 नंबर्स का एक एरे है, लेट्स से एरे वन इज 5 नंबर्स. ओके, लेट्स से स्टोर्ड फ्रॉम लोकेशन F200. सो नंबर्स है 2 4 3 4 5. ओके, एंड सेकेंड एरे इज स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेशन F300 एंड नंबर्स stored in it are 3 2 4 4 4. okay, you have to generate a third array. So third array tumhara result array hona chahiye. to program kya hai, array 1 ka first number you have to add with array 2 ka second number and then store the result in location F400 which is 05. okay, so jaise एरे वन का फर्स्ट नंबर है F200 में, तो 02 एड होना चाहिए एरे टू का फर्स्ट नंबर F300 का 03. तो 02 03 एडेड, रिजल्ट इज 05. दैट शुड गेट सेव्ड इन द थर्ड एरे
एड्रेस लोकेशन F40। ऐसा रिपीट होना चाहिए पांचों नंबर्स के लिए, यानी कि F201 डेटा शुड गेट एडेड विद F301 डेटा एंड रिजल्ट शुड बी इन F401। सिमिलरली F202 डेटा शुड गेट एडेड विद F303 डेटा एंड रिजल्ट शुड बी इन F404। डिड यू अंडरस्टैंड द एम ऑफ द प्रोग्राम? यस मैम। ओके, तो अभी क्या है, इसमें तीन एरेज को हमें साइमल्टेनियसली एक्सेस करना है, तो हमें तीन एड्रेस लोकेशन साइमल्टेनियसली एक्सेस करने होंगे। ओके, तो एक एड्रेस चला जाएगा HL register pair में, let's say we load F200 in HL register pair. Second address will go in BC register pair, which is F300, and third address F400 in D register pair. ठीक है? So वो addresses store होने के बाद, this is the logic now for addition. ये जो red में लिखा है box में, ये logic है. So first we perform LDAX G. LDAXB से क्या होता है, BC register pair data loads into accumulator. That means 3 will go into accumulator. यहाँ पे देखो, 3 goes into accumulator by LDAXB. Then we say add M. So add M से क्या होगा, HL register pair data is acting as memory pointer, that is 02, that will get added to accumulator. Means 3 and 2 will get added, result will be in accumulator. Then now if I say stacks D, accumulator contents will go to the address in D register pair, that is 400. So 05 comes in that location. This is three instruction logic. Did you understand what I am saying? Yes ma'am. Students, समझ में आया? Yes, ma'am. तो ये लॉजिक समझने के बाद, ये लॉजिक होने के बाद एक एडिशन हो गया, ऐसे हमें रिपीट करना है 5 टाइम। अभी यहाँ पे ना सारे रजिस्टर बिजी है, तो इसके लिए हम ये जो काउंटर वैल्यू है ना 5, ये कोई भी रजिस्टर में ले नहीं पाए, बिकॉज ये रिपीट होना चाहिए सिर्फ 5 लोकेशंस के लिए। यू शुड बी एबल टू रिपीट दिस ओनली फॉर 5 लोकेशन। ओके, तो 5 लोकेशन के लिए ही रिपीट होना चाहिए, तो इसके लिए हम ये और कहां पे भी ले नहीं पाए, हाँ, काउंटर वैल्यू, बिकॉज सारे रजिस्टर अभी बिजी हो गए, HL बिजी है, BC बिजी है, DE बिजी है, एक्यूमुलेटर में एडिशन हो रहा है, तो कौन सा रजिस्टर है जहां पे हम कैरी स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसे भी प्रोग्राम्स आ सकते हैं वेयर यू विल फॉल शॉर्ट ऑफ स्पेस टू अपलोड अ काउंटर वैल्यू, जैसे फॉर लूप में हम लोग काउंटर सेट करते हैं, तो वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ अलग लॉजिक अप्लाई करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट लॉजिक। तो फर्स्ट वी डू INXH, तो ताकि हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाए, दैट इज F201 इन HL। देन वी डू INXD सो दैट वी गो इन नेक्स्ट लोकेशन F301, एंड INXB सो दैट वी गो इनटू द नेक्स्ट लोकेशन फॉर सेविंग द रिजल्ट, तो F401। नाउ व्हाट वी विल डू इज we will shift the data of L to A, यानी कि HL में है F201 increment होने के, तो L का जो single value है 1, वो shift करेंगे हम accumulator में, and we will say CPI 04H, हम compare करेंगे 4 के साथ, because हमारा process खत्म होना चाहिए 4 पे, 4 तक हमारा addition process होना चाहिए, because number stored है 001 से 01 02 03 04, तो 4 तक ही हमें एडिशन प्रोसेस करना है, तो इसके लिए हम कंपेयर करेंगे CPI 04H, बिकॉज़ HL इंक्रीमेंट होके कैसे इंक्रीमेंट होगा, F200 से 01 होगा, 02 होगा, 03 होगा, 04 होगा, जैसे ही 04 होता है वैसे एडिशन प्रोसेस स्टॉप होना चाहिए, एंड वी शुड एग्जिट द लूप, सो वी से CPI 04H। तो अगर L में 4 है और डेटा जो कंपेयर कर रहे हैं वो भी 4 है, तो जेड फ्लैग सेट होगा 1, एंड वी एग्जिट द लूप। बट अगर एल में कुछ और नंबर है और हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 4 के साथ, तो जेड फ्लैग सेट नहीं होगा, एंड हेंस JNZ विल गेट एग्जीक्यूटेड टू द लोकेशन व्हाट एवर यू स्पेसिफाई। डिड यू अंडरस्टैंड? यस
student student did you understand can you repeat yes I will repeat ठीक है ये नहीं हो रहा है मैं कुछ भी नहीं कर पा रही बड़े टू मिनट बोल रहा ओके इसके साथ ही देखते हैं जस्ट लुक एट द हाइलाइटर ओके सो एलेक्सा एच एफ टू जीरो जीरो सो एच एल हैज एड्रेस एफ टू जीरो जीरो एंड मेमोरी पॉइंटर इज हैविंग द फर्स्ट डेटा जीरो टू इसे एलेक्सा बी एफ थ्री जीरो जीरो सो एफ थ्री जीरो जीरो इज हैविंग डेटा जीरो थ्री and then we say LXID F400 so F400 is having data 05 then we say LDAXB okay accumulator loads with data register stored in address of BC register pe so BC mein hai 03 that loads into accumulator now when we say add M memory pointer is 02 gets added to accumulator so 030 gets added answer is 05 यहाँ पे स्पेसिफिकली कैरी सेट नहीं होता है बिकॉज कैरी के लिए कोई जगह ही नहीं है चेक करने के लिए इसके लिए हम कैरी चेक नहीं कर रहे प्लेन एडिशन कर रहे इसके लिए हमने नंबर्स भी बहुत ही स्मॉल नंबर्स अज्यूम किए हैं ओके वी आर अज्यूमिंग द नंबर्स टू बी वेरी वेरी स्मॉल तो 5 आया एक्यूमुलेटर में नाउ वी से स्टैक्स डी तो ये जो 5 है वो जाके स्टोर होगा डी रजिस्टर में
ये समझ में आया ना प्रोसेस, लॉजिक समझाना सब लोग को, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम. हाउ डू वी एड अरेज ऑफ टू नंबर्स एंड सॉर्ट इट इन द थर्ड लोकेशन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस मैम. नाउ वी से आई मेक्स एच, सो एच एल बिकम्स एफ 201. ओके, देन आई मेक्स बी, बी सी बिकम्स एफ 301. And INXD, so DE becomes F401. And now we will shift L data to A. HL total together bana hai F201. So when we shift L to accumulator, accumulator will become 01 here. Okay, because L data is 01. That we will compare with 5. That, haan, 4 ke saath nahi, sorry. That we will compare with 5. Okay, because our loop value is 4 tak. So when we say CPI 05H, accumulator data is smaller than the data which is getting compared. So carry will be 1 and Z flag will be 0. We are checking here for Z flag. Okay, so we say jump on no 0. So yahan pe accumulator number is smaller than 5, so Z is 0. That's why J and Z gets executed and we directly go to up location, which is LDXB. So now again the process gets repeated. LDXB means BC register pair, which the data is what? 02. We come to accumulator. Then we say add M. So memory pointer kya hai? HL is now on F201. Data is 04. That will get added to 02. Answer will be 06, which will be stored in D register pair. So 06 will go to D register pair. That is how second addition will take place. Again, we do INXH, INXB, INXC. Now, on increment of HL, HL becomes F202. Now, when we say move A, L, L data 02 gets shifted to accumulator. Now, when we say CPI 05H, 2 and 5 will get compared. Z is still 0. So we repeat the whole process again by jumping to LDXD location. Like this, it will go on till your HL becomes 05, F205. Okay, so after addition of all 5 numbers, once again when you do INXH, HL becomes F204, say F205. Even all will become, all will go to the next location. But more data hume add karna hi nahi hai. But प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग वो लोकेशन पे जाएंगे INXH, INXB, INXD पे. उसके बाद में L कंटेंट 05 विल लोड इनटू एक्यूमुलेटर. नाउ व्हेन वी से CPI 05H, 5 एंड 5 गेट्स कंपेयर्ड एंड Z फ्लैग विल बी सेट एज 1 एंड Z फ्लैग विल बी सेट एज 1. देन वी विल एग्जिट द लूप टू RST1. डिड यू अंडरस्टैंड नाउ ऑल ऑफ यू? Student, did you understand now? Or still it is not clear? Student, did you understand or did you do? Are you not able to follow? Please respond. Understand, ma'am. समझ में आया सबको? Yes. 50-50. Yes, ma'am. ठीक है. तो क्या करूँ? Next time वापस repeat करूँ? Yes, ma'am. क्या पार्ट, क्या पार्ट time. नहीं समझ में आया? क्या पार्ट नहीं समझ में आया? तो लॉजिक के बाहर कैसे आते हैं ना, लूपिंग स्ट्रक्चर ना? यस मैम, लूपिंग वाला. बाकी तुम्हें मेन लॉजिक समझ में आया ना? यस मैम, मेन लॉजिक समझा मैम. ठीक है, तो ये मैं वापस रिपीट करूंगी, कल के लेक्चर में रिपीट करती हूँ. तब तक मेरा शायद लैपटॉप ठीक हो जाए. नहीं, अभी चांस ही नहीं है. ऑफलाइन लेक्चर्स में प्रैक्टिकल्स होगा, ऑफलाइन लेक्चर्स तो नहीं. क्या हुआ? नहीं मैम, ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे से समझता है इसके लिए. हाँ, बट अभी सी थिंग इज दैट इट्स बीन टोल्ड. It's been told to take offline lectures. ठीक है,
But then availability of room is a problem because all exams are going on together. SYTY practicals and things have started. Then alag alag departments ka alag alag dinon mein exams hai.